गुस्साए जी चले गए ऑफिस, और बिंदी देखने जा रहा, बिंदी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था, पसीना आ रहा है, नहाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिंदी लगाई इधर आ गई उधर चली गई, मेरे लगाती हूँ, ऐसा लग रहा है फेविक्विक से चिपका के लगानी पड़ेगी। इनको सूत्र भी पहन लेती हूँ, आज थोड़ा गला ठीक लग रहा है, उस दिन खुश भी होने लग गए थे ना, तो मैं कभी कभी उतार देती हूँ बीच बीच में इसको, गर्मी में ना और दिमाग ख़राब हो रहा है, बाल धो तो सर और गर्मी इचिंग हो रही है, मैं छोटे बाल है ना तो पसीना ज़्यादा आता है इनमें, और फिर चिप 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 और चिप चिप हो जाते हैं, बाल झाड़ने भी अभी झाड़ूंगी, पसीना आ जा रहा है आ जा रहा है, टावल भी धोने आ नहीं अपने दोनों, देर हो गई, गुस्साए जी देर में गए हैं, गुस्सा हो रहे थे, मैं जा रहा हूँ, काम बहुत ज़्यादा ना उनके ऑफिस में, इसलिए चिड़चिड़े हो रखे हैं। अरे मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे, फिर मेरी मैंने ना सोचा यार आज तो सिर्फ छोले चावल ही बनाने हैं, तो छोले में टाइम नहीं लगेगा, उबालेंगे एक तरफ चावल रख दूँगी, ये सोच के मैं दोबारा सो गई, फिर मेरी नींद गिरी 9 बजे, 9 बजे तो वो नहा के 9:30 तक निकल जाते हैं, गड़बड़ हो गई थी तभी, तो मैंने बाहर लगा रखी है वहाँ पर, देखो दिख रही है मशीन लगा रखी है मैंने वहाँ पे, क्योंकि कपड़े धो देती हूँ ना, क्योंकि इसका कोई मौसम नहीं, पर थोड़े थोड़े कपड़े उनको धो देती हूँ, इसको देखो इसको पता नहीं क्या हुआ, क्या हुआ इधर लाओ, क्या हुआ आपको, क्या हुआ क्या हुआ, बिस्किट खाना है, इतनी मुश्किल से कपड़े धोए थे मैंने, और बारिश आ गई तो सारे कपड़े उठा के यहाँ रखते, मैंने अंदर आने में क्योंकि गीले ही है कपड़े, चो चो पर चक गई थी, टुकटुकी 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 मैं टुकटुकी, गिलू के कपड़े हैं, गिलू के कपड़े हैं, ये गिलू के कपड़े हैं, ये गिलू का है, ये गिलू का है, ये किचका है, ये गिलू की है, तेले तेरे गिलू की है, ये देखो पूछे ला रही है, तेरे गिलू गिलू का है, तेली गिलू का है, तेली तो ये गिलू के कपड़े हैं ये। थोड़ी देर की बारिश आई थी, बारिश हो गई बंद, तो मैंने बाहर दोबारा से डाल दिए अपने कपड़े सारे, तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बनाना सिखाती हूँ, अगर आपके घर में बासी रोटी बच जाए तो उसको और कितने अच्छे तरीके से आप बना के खा सकते हैं, ये मैं आपको सिखा रही हूँ, बनाने के लिए तो पहले देखते हैं कितनी बासी रोटियाँ बची हैं। चलिए, रोटी जो थी उनको कल रात की रोटी है, मतलब मैंने तोड़ के ऐसे मिक्सी में उसको डाल लिया, इसको मिक्सी में हम घुमा के बिल्कुल बुरादा बनाएंगे इसका, रोटी को दरदरा इतना ही दरदरा पीसना है अपने मिट्टी, बिल्कुल पोहे की तरह बनाएंगे इसको,
पतली वाली राई आएगी थोड़े। कड़ी पत्ता गया, प्याज, हरी मिर्ची और प्याज और मिर्ची, ठीक है, इसमें डालने के ये जो मैंने बना रखा है कुछ ऐसा, और ये बन के हो गया रेडी। तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे उपमा होता है। तो आप भी बनाइए और आप भी खाइए। देखो गाइस ये बन चुका है, नमकीन डाल के खा रही हूँ, बहुत टेस्टी हो रहा था दोस्तों। और ज़्यादा बासी का भी मत बनाओ ना, एक दिन बासी, एक दिन बासी का चलेगा, ठीक है। और यहाँ देखो मैं खा रही हूँ, टेस्टी लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, औरतों की सुबह किचन, शाम किचन, ऑलवेज किचन किचन। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है तेल गर्म होने के लिए, आलू हो गए हैं, मिर्ची छिली है, और ये है मेथी, ये मेरी मम्मी ने दी थी मेरे घर से, जो ओरिजिनल मेथी होते हैं ना उसको सुखा के ऐसे बना दिया मम्मी ने। तो आज मैं ये बनाऊँगी डाल के आलू में। थोड़ा डाल के इसमें पानी डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। मैं इसमें जाएगा जीरा, पंचफोरन, थोड़ा सा धनिया, जाएंगे हरी मिर्ची। अब यार फिर चलो कांड हो गया रे, मिर्ची में कट लगाना भूल गई, फूट गई वो तो। अभी मरते मरते बच गई मैं, कांड हो गया था अभी, मिर्ची में कट लगाना ही भूल गई थी भाई। आलू बन गए हो गए रेडी, और इसकी मेथी बच भी गई है। तो गर्मी में आप भी ना, सर्दियों में मेथी आती है उसको आप सुखा लो, और गर्मी में ऐसे यूज़ कर सकते हो, जैसे लोग मटर वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, फ्रोजन, वैसे आप ये भी कर सकते हो। हो चुकी है हमारी सब्जी रेडी। राइस हो गए मेरे, आलू मेथी तैयार। तो आप लोग भी इस तरीके से मेथी को स्टोर करके रख सकते हैं और पका के खा सकते हैं। बन गया है खाना, ये तो जैसे आप देखोगे सुबह के छोले हैं, और इस पे बनी है आलू मेथी, टेंटन बनी है मूल, ये मूली गरी पूरी, और ये कल की भांग की चटनी। तो दोस्तों आज किसी का कमेंट आया है, किरण भट्टी का, कि किचन से ही खाना बनाने पर ही पूरा ब्लॉग ख़त्म हो जाता है। तो डियर जो घर पर करूँगी वही तो दिखाऊँगी ना, अब कहीं जाऊंगी तो ही दिखा पाऊंगी। अब स्पेशली व्लॉग बनाने के लिए बाहर जाऊं अभी ऐसा मेरे लिए है नहीं संभव, क्योंकि गुसाइन जी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनको मैं तंग नहीं करना चाहती। जो भी व्लॉग बन रहे हैं आप देखिए, एंजॉय करिए, मेरी पागलबंदी को एंजॉय करिए। तो अब मिलते हैं खाना खाने के बाद।